अराइज हो जाती है, और इसके साथ साथ एंटी कन्वर्जन ड्रग्स के भी जो हैजार्ड्स होते हैं वो भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो उसके साथ साथ जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं उनका फीटस में भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसके कारण फीटस में भी एक कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाती है जिसको बोलते हैं फीटल एंटी कन्वर्जन सिंड्रोम, या फिर इसको दूसरा नाम बोलते हैं फीटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम। बारबिटोन देते हैं 60 to 180 mg per day in
में भी डाइजेपाम दिया जाता है 10 to 20 mg के लगभग, और फोलिक एसिड का जो कंटिन्यू रखते हैं, फोलिक एसिड भी कंटिन्यू रखते हैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी, ठीक है, ताकि डेफिशिएंसी ना हो फोलिक एसिड की, और 5 mg पर डे पे हिसाब से फोलिक एसिड देते हैं, ठीक है। और जो प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं फॉर न्यूरल नोड डिफेक्ट के लिए, तो मैटरनल ब्लड में जो अल्फा फेटोप्रोटीन का लेवल चेक करते हैं, जिससे कि जो फिटस में न्यूरल डिफेक्ट की कंडीशन अगर है तो वो हमको डिफाइन हो जाएगी, पता चल जाती है, ठीक है, एट 16 वीक पे उसको करते हैं। इसके साथ साथ जो फिटस की जो एनाटॉमी है उसको भी हम देखते हैं थ्रू USD, है ना, वो 18 वीक से पहले हम देखते हैं, क्यों, क्योंकि हम अगर कोई डिफेक्ट है फिटस में तो हम 20 वीक से पहले एमटीपी उसकी कर सकते हैं इसलिए। और उसके बाद में क्या होता है, जो वुमेन को फिनाइट देते हैं उसके साथ साथ में विटामिन के भी देते हैं डेली, ठीक है, ओरली विटामिन के देते हैं 10 mg आफ्टर 36 वीक, जिसके कारण कोई अगर हेमरेजिक कंडीशन अगर अराइज होती है तो उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। उसके बाद में लेबर में क्या मैनेजमेंट करते हैं, लेबर में क्या ड्यूरिंग लेबर क्या करेंगे, अगर सीजर्स अगर आ गए तो सीजर्स के मैनेजमेंट के लिए IV फिनाइलोइन देते हैं, ठीक है, और इफेक्टिव के लिए डाइजेपाम देते हैं IV 10 to 20 mg, ठीक है। उसके बाद में ब्रेस्ट फीडिंग है वो इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग हम बेबी को करा सकते हैं, और जो एंटी कन्वर्जन ड्रग्स है उनका रीएडजस्टमेंट करते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो जो डिलीवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसकी डोज हमने कम की थी, तो डिलीवरी के बाद आफ्टर 4 to 6 वीक के बाद में हम वापस जो उसकी ड्रग्स चल रही हैं उन पर रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम उसको ठेके देंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए क्या इसमें क्या होता है, मेनली जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं वो हेपेटिक जो एंजाइम्स होते हैं उनको स्टिमुलेशन इंक्रीज कर देती है, उनका स्टिमुलेशन जिनके कारण क्या होता है जो लीवर के जो एंजाइम होते हैं हेपेटिक एंजाइम होते हैं वो जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की इफिकेसी है उनको डिक्रीज कर देते हैं। तो मतलब जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं या मिनी पिल्स होती हैं, ठीक है, या फिर कंबाइंड पिल्स होती हैं उनकी इफिकेसी को डिक्रीज कर देती है, उनकी इफेक्टिवनेस को डिक्रीज कर देती हैं, इसके कारण उनका इफेक्ट इतना नहीं रहता तो प्रेगनेंसी के चांसेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, या तो पेशेंट को पॉपर्टी या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हम लगा सकते हैं या फिर वो मोर्जेस्ट्रोन भी लगा सकते हैं। तो इन पे क्या होता है जो लीवर एंजाइम्स का कोई इफेक्ट इन पे नहीं होता है, ये लीवर एंजाइम से अफेक्टेड नहीं हो पाती है, ठीक है, तो इनकी इफिकेसी भी बनी रहती है, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा एपिलेप्सी।